कौन कहता है कि मियाँ और महादेव की नहीं बनती। किसी रोज राजकोट के वनपरी गांव में तो आइए, मन का मैल दूर हो जाएगा। इस गांव की खासियत है कि यहाँ के लोग भगवान और अल्लाह दोनों को ही पूछते हैं, क्योंकि गांव वालों का मानना है अगर किसी एक के द्वार से वापस लौट गए तो आपकी मनोकामना सफल नहीं होगी। वनपरी गांव में एक तरफ हटीला हनुमान जी का मंदिर है तो ठीक उसके सामने हजरत पीर अदिल शाह की दरगाह है। हर दिन यहां श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसा नजारा आपको बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। जहां मुसलमान हनुमान जी की चौखट पर सर झुकाते हैं तो दूसरी तरफ एक हिंदू आदिल शाह पीर की चादर पर फूल चढ़ाते हैं। भाईचारे और एकता की एक अनोखी मिसाल है राजकोट का ये वनपरी गांव। पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि दोनों साथ में हैं, जो कि केवल कौमी एकता का एक प्रतीक कहलाता है। यहाँ के मौलवी कहो कि पुजारी कहो, दोनों एक ही है। तो दोनों एक ही जगह पे लोबन भी वही बंदा करेगा और पूजा भी वही करेगा। यहाँ पर आते ही एक दिल को सुकून मिलता है कि बाहर जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम वो होता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। दोनों कौम के सब लोग आके एक साथ में रहते हैं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम एकता नु प्रतीक अहीं पड़तरीना वणपरी गांव में आवेलो छे। खास करीने तो अहीं उरुस बने उरुस होय त्यारे हनुमान जी नी पूजा थाय छे अने पीर बापा ने पण उरुसना दिवसे उजवामां आवे छे। त्यारे जे ते समय आपणे हनुमान जयंती होय, हनुमान जयंतीना दिवसे पण अहीं ज्यारे उजवणी करवामां आवे त्यारे ज पीर बापानी जग्याए पण उजवणी करवामां आवे। खास एक વાતનું અમે પણ અહીં નજીકના ગામમાં રહી છે એટલે સાંભળેલું છે કે હનુમાન ઘણા વર્ષો પહેલાં કે હનુમાનજીની મૂર્તિને ગઢાઓ દ્વારા સામેની નદી દોંડી નદી કહેવામાં આવે છે, દોંડી નદીની અંદર બે વાર એને પધરાવવામાં, પણ ત્રીજી વાર ખાસ અહીં ટૂંકમાં અહીં આવીને પાછા સવારમાં જોવે તો અહીં ને પાછી મૂર્તિ હોય છે। આપકો યે જાણકર તો જરૂર હેરાની હોગી કે હનુમાનજી કે મંદિર ઓર આદિલ શાહ પીર દોનો કે લિયે એક હી વ્યક્તિ કામ કરતા હૈ। गांव में रहने वाले राहिल भाई और उनके पिता साम अगर मोहम्मद शाह सुबह शाम आरती के साथ साथ दरगाह में अल्लाह की बंदगी भी करते हैं। दरगाह में सवारे सांजे दीवालोबन पण करिए छे, मंदिर में पण दीवालोबन सवार सांज करिए छे अने भाईचारा थी गाम में रहिए छे। प्रतिना वणपरी गाम में आवेल छे। सौ वर्ष त्या चालू छे, अमारी सातमी पेढ़ी छे अहीं। અમારા દાદા પરદાદા પણ અહીંયા બંદગી કરતા હતા, આ જ રીતે લોકો પણ સારી પ્રકારે બધા આવે છે, હિન્દુ મુસ્લિમ બધા પણ એકતા થઈને આવે છે। રાજકોટ કા વનપરી ગાંવ કિસી ધર્મ યા જાતિ કા મોહતાજ નહીં હૈ। ઇસ ગાંવ કે લોગ મઝહબ ઓર ધર્મ કી રેખા કો લાંઘ કર ઇન્સાનિયત કી રાહ પર નિકલ ચુકે હૈ। રાજકોટ સે તેજસ શશાંગિયા કે સાથ ઈશા માલવી કી રિપોર્ટ, ગુજરાત તક।